युवा सेवा संघ भिलाई दुर्ग के तत्वाधान में संत आसाराम बापू की पावन प्रेरणा से 25 दिसंबर को तुलसी पूजन करने हेतु प्रचार यात्रा निकाली गई। वह तुलसी पूजन कार्यक्रम चार जगह छावनी खुर्सीपार कोहका कैंप वन में किए गए। परम पूज्य संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से लगातार 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। इसे लेकर युवा सेवा संघ भिलाई दुर्ग के तत्वाधान में भिलाई के चार स्थानों पर तुलसी पूजन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश दिया गया कि सभी तुलसी पूजन 25 दिसंबर को अपने अपने घरों में करें। साथ में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाए। उक्त जानकारी युवा सेवा संघ के दीपेंद्र साहू ने दी। सियावर रामचंद्र की जय। आज छौनी नगर में प्रभात फेरी परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के पावन प्रेरणा से 25 दिसंबर को तुलसी पूजन का कार्यक्रम पूरे भारत वर्ष में विश्व में मनाया जाता है। उसी निमित्त यह भव्य विशाल प्रभात फेरी निकाली गई थी। मैं सभी नगरवासियों से यही आह्वान करना चाहता हूं कि 25 दिसंबर को अपने अपने घरों में तुलसी माता का पूजन अवश्य करें। तुलसी माता का पत्ते के सेवन करने से 800 प्रकार की जघन्य बीमारी, कैंसर जैसे बीमारियां भी ठीक हो जाती है। तो स्वदेशी अपनाएं, अपने देश को समृद्ध बनाएं, मजबूत बनाएं, इसीलिए तुलसी माता का पूजन अवश्य करें सत्य सनातन धर्म से। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के अनुयायियों के द्वारा बापू जी की प्रेरणा से लगातार भारतीय संस्कृति को बचाने एवं जन जन को इससे परिचित कराने के लिए ऐसी प्रभात फेरियों एवं प्रचार यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है और इसका व्यापक असर भी सनातन धर्म पर देखा जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।